पहले मोल्ड को क्लीन कर लेना है अच्छे से। मोल्ड को हमेशा कॉटन से आपको क्लीन करना है, ज्यादा गर्म पानी से और सरफ वगैरह नहीं इस्तेमाल करना है, नहीं तो क्या है चॉकलेट में साइन है वो नहीं आती है अच्छे से। तो सबसे पहले मोल्ड को क्लीन करके अब यहाँ मैं सबसे पहले आपको व्हाइट चॉकलेट है इसमें कलर और एसेंस आप कैसे तैयार करोगे वो बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने इसको व्हाइट चॉकलेट को इस तरह छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है। यहाँ मैंने जो व्हाइट कंपाउंड चॉकलेट है, ये व्हाइट कंपाउंड मैंने यूज किया है, ये वैनलिन ब्रांड की। यहाँ मेरे पास मोटे का भी है डार्क कंपाउंड। तो आप व्हाइट चॉकलेट में यदि मोर्डे वैनली 2 mm कोकोआ यही आप इस्तेमाल करोगे तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। नहीं तो व्हाइट चॉकलेट यदि लोकल ब्रांड की इस्तेमाल करोगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम है वो फेस होगी, वो अच्छे से मेल्ट नहीं होगी, कभी चॉकलेट सीज हो जाती है। लेकिन वैनली रे ये बहुत अच्छी तरह से मेल्ट होती है, बहुत थिन तक मेल्ट हो जाती है। तो मैं हमेशा वैनली है वो व्हाइट चॉकलेट है वो यही यूज करती हूँ। मोर्डे भी ठीक है लेकिन अदर ब्रांड है उनमें बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत मतलब वो अच्छे से मेल्ट भी नहीं होती है। दिवाली के स्टिकर है इस तरह के आते हैं, ये जैसे देखिए ये अनार का स्टिकर है, ये चक्री का स्टिकर है, ये बॉम्ब वाले स्टिकर है, इस तरह अभी पूरा नहीं आया है मार्केट में लेकिन धीरे धीरे अपने को सब चीजें वो मिल जाएगी। तो मैं आपको 2-3 पार्ट में आपकी मैं क्लासेस चॉकलेट की है वो लूंगी। तो आज मैं आपको यानी मैं 2-3 पार्ट में आपको दिवाली से पहले पहले कंप्लीट चॉकलेट सॉल्यूशन है यानी कंप्लीट हर तरह की चॉकलेट है वो मैं आपको बता दूंगी। ये मैं पहले कह रहा 30 सेकेंड तक मेल्ट करना है और आप देख सकते हो अभी चॉकलेट हमारी इस स्टेज तक पहुंची है, पूरी मेल्ट तो नहीं हुई है लेकिन इस तरह मेल्ट हो गई है। तो इसको वापस मैं 20 या 30 सेकेंड के लिए आपको इसको वापस मेल्ट करना है। कंपाउंड चॉकलेट है वो टोटली फ्री है, आप तक क्लासेज है वो आती रहेगी क्योंकि अब मैंने क्लासेज में प्योर चॉकलेट है वो बनाना बता दी, बनाने में मतलब बताने लग गई हूँ। तो कंपाउंड चॉकलेट है वो आपके पास टोटल है वो आपको फेसबुक पे फ्री मिलेगी। आपको कुछ भी पूछना हो, आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से पूछ सकते हो मेरे को, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ये 30 सेकेंड मैंने और मेल्ट कर लिया है, इसको मैं स्पून से अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि इसमें कोई किसी भी तरह का कोई
तो मोदे की क्लास भी देने वाली थी, लेकिन मैंने यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हो, जो इसके लिए टीचर बाई विनीता जैन। अब ये हमारी इस तरह की मैट हो गई है। अभी मैं इसको 10 सेकंड और करूंगी तो बहुत अच्छे से मैट हो जाएगी। ये टोटली आपके मौसम पे डिपेंड है कि आपको मतलब कैसे कितना टाइम लगेगा। विंटर है तो आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है, समर में थोड़ा सा कम टाइम लग सकता है, लेकिन छोटे छोटे पार्ट में आपको चॉकलेट को मेल्ट करना है, एक साथ नहीं करना है। अभी हमारी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है। जैसे ही आप चॉकलेट का पैकेट खोल ले वैसे ही आप इसको एयर टाइट में बंद कर दे, नहीं तो क्या है मौसम में नमी होती है तो चॉकलेट में क्या होता है कि फिर चॉकलेट सीज होने लग जाती है। तो चॉकलेट और नमी आपस में दुश्मनी है। ये देखिए हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है। मैं इसको थोड़ी थोड़ी दो बाउल में अलग निकाल लेती हूँ, इनमें कलर और एसेंस मिक्स करूंगी। तो आपका वैसे ही जैसे आप मार्केट से फ्लेवर लाते हो तो वो वाली चॉकलेट भी क्या है कि बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो इस तरह आप डिफरेंट फ्लेवर्स में भी चॉकलेट है वो तैयार कर सकते हो। अभी देखिए पाइनएप्पल हमें एसेंस यूज करना है। मैं पाइनएप्पल फ्लेवर तैयार करूंगी जिसके लिए हमें ऑयल बेस एसेंस चाहिए। और ये मेरे पास पाउडर कलर है, येलो पाउडर कलर है। आप जेल कलर भी यूज कर सकते हो। और पाउडर ये सेफ मास्टर का है और ये मेरा यहीं से लिया हुआ है। अभी बेकर्स विले के सारे पाउडर कलर आते हैं। और एसेंस है वो फैब का एसेंस है जो यहाँ बड़ी बोतल से छोटी बोतल्स में मिलता है, तो ये फैब का ही एसेंस है। और मात्र एक या दो ड्रॉप ही आपको यूज करना है, बहुत अच्छा फ्लेवर है वो तैयार हो जाता है। और खाने में भी बहुत अमेजिंग लगती है। तो आप कभी भी जैसे आपको कलर्ड और एसेंस वाली चॉकलेट बनानी है तो आप मार्केट से वो वाले बार मत लाइए, वो 2-3 महीने में ही फ्रीज हो जाते हैं, जबकि आप इस तरह कभी भी बना सकते हो। यहाँ मैं एक या दो ड्रॉप एसेंस डालूंगी। जैसे आप 100 ग्राम चॉकलेट ले रहे हो तो आपको 4-5 ड्रॉप्स है वो सफिशिएंट है, ज्यादा नहीं यूज करना है। और ये येलो कलर है चॉकलेट वाला।
वन ही ड्रॉप डालना है। और स्ट्रॉबेरी एसेंस अभी हमारी सेट हल्की सी हुई नहीं है, तो मैं 5 मिनट बाद में डालूंगी और इनको मैं रख देती हूँ इतनी देर माइक्रोवेव में ताकि ये अपनी मेल्ट ही रहे। इसी तरह आप वनीला ये बटर
व्हाइट चॉकलेट सेट हो चुकी है, तो इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ स्ट्रॉबेरी। अभी मैंने मोदक पान की चॉकलेट कैसे तैयार करते हैं, अभी मैंने मोदक वाले जो यूट्यूब पे वीडियो उसने बताया था। बाकी मैं नेक्स्ट भी लाइव आऊंगी तब आपको और फ्लेवर कैसे तैयार करते हैं वो बता दूंगी। चक्री भी बन जाएगी और कॉइन वाली चॉकलेट है वो भी तैयार हो जाएगी, तो इसको मैं टैप टैप करके फ्रिज में रख रही हूँ। स्ट्रॉबेरी में आप ड्राइड स्ट्रॉबेरी है वो भी यूज कर सकते हो। तनिका जी, अभी आप चॉकलेट से संबंधित इंक्वायरी हो तो बताइए, अभी केक की तो मैं बीच में कैसे दे सकूंगी आपको, आप पर्सनली मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। आपको चॉकलेट में किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ मैंने
हेलो भावना जी, हेलो निधि जी। 100 ग्राम मैंने डार्क चॉकलेट है और ये 50 ग्राम मिल्क चॉकलेट है। तो यदि आपको स्वीट चाहिए तो आप खाली मिल्क चॉकलेट से बना सकते हो, खाली डार्क से बना सकते हो। नेक्स्ट मैं मिल्क चॉकलेट को भी 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव में मेल्ट कर रही हूँ। After 30 सेकेंड बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हमें स्पून उल्टे से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। चॉकलेट माइक्रोवेव में कैसे मेल्ट करना है? चॉकलेट को आपको माइक्रोवेव पावर है उसके 30 सेकेंड के लिए पहले पावर लेवल पे माइक्रोवेव में माइक्रोवेव पावर पहले स्टार्ट करिए, फिर माइक्रोवेव पावर लेवल है उसको दबाइए, फिर 30 सेकेंड दबाइए और फिर उसको स्टार्ट कर दीजिए, तो आपकी 30 सेकेंड हो जाएगी। और ये मैंने 2 बार 30 30 सेकेंड किया है तो ये बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है। बहुत अच्छी साइन इसमें अपने आप आ जाती है जैसे ही आप मिक्स करोगे। चॉकलेट को आपको खुला नहीं रखना है, खोलने के बाद उसको वापस एयरटाइट कर देना है, नहीं तो मॉइस्चर के कारण क्या है फिर दिक्कत आती है। और कभी आपकी सीज हो भी जाए तो थोड़ा सा आपको फ्लेवरलेस ऑयल है वो मिक्स कर देना है। इसको मैं 30 सेकेंड के लिए कवर कर रही हूँ। मेल्ट नहीं होती हो तो यानी आपकी चॉकलेट है वो पुरानी है, सही नहीं है। चॉकलेट को आप हमेशा डेट देखिए वो कब की बनी हुई है और ब्रांड देखिए। यदि आप लोकल ब्रांड की लाओगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतें हैं वो फेस करनी होगी। इसीलिए आप वैनली रेड 2 mm है और ये मोर्डे है इसी यही आप इस्तेमाल करो। और कई बार सीज हो जाती है तो फिर आप उसमें हाफ से लेके 1 स्पून जितना ऑयल है वो मिक्स कर सकते हो। पैकेट क्या बारिश का मौसम में पैकेट खुला भी रह जाए तो चॉकलेट क्या है, चॉकलेट में थोड़ी सी नमी हो जाते ही वो सीज हो जाती है।
जी, ये वीडियो पेस्ट ही रहेगा और आप यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हो। ऑयल है वो आपको फ्लेवर यानी बिना फ्लेवर का ऑयल यूज करना है, तो इसमें मैं थोड़ा सा यूज कर रही हूँ, इतना सा ऑयल है वो मैं यूज कर रही हूँ, हैप्पी एसपी जितना। ऑयल डालने के बाद आपकी ये चॉकलेट है वो सही हो जाएगी। ज्यादा प्रॉब्लम मिल्क चॉकलेट और व्हाइट चॉकलेट में आती है, इसीलिए मैंने इनको अलग अलग मेल्ट किया है। वही मैंने इसमें डाल दिया है, अब इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ इसको। डिप करके भी रख सकते हो, दोनों तरह से रख सकते हो। इसको मैं टैप टैप करूंगी। हर चॉकलेट को आप टैप टैप अच्छे से करना है ताकि चॉकलेट है आपकी फिनिश्ड बनेगी और बबल्स नहीं होंगे नीचे। इसके ऊपर मैं ये बिस्किट रख देती हूँ। चॉकलेट बनाना बहुत आसान है लेकिन फिनिश नीट एंड क्लीन, इसमें आपको बहुत चीजें फॉलो करनी पड़ती है कि आप कितनी सफाई से चॉकलेट बना रहे हो। कभी चॉकलेट यदि ओवरफिल हो जाए तो स्क्रैपर से आपको स्क्रैप कर लेना है। कौन सा ऑयल यूज करते हो आप? फ्लेवरलेस, फ्लेवरलेस कोई सा भी ऑयल हो, चाहे जैतून का तेल हो, चाहे सोयाबीन का हो, सनफ्लावर हो। अभी मैंने यूज किया वो सनफ्लावर ऑयल था। ये मैंने तीसरी लेयर भी डाल दी है इसमें और इसको रख देती हूँ फ्रिज में। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, कलर देख रहे हो आप। फिर मैं अभी आपको निकाल के दिखा दूंगी। चक्री वाली या मेरी बिस्किट वाली, जैसे दिवाली पे आप बेचो तो चक्री सेल करो तो या बनाओ तो घर के लिए बहुत अच्छी लगती है, और ऐसे भी आप ये मेरी बिस्किट वाली चॉकलेट बहुत ही अच्छी लगती है। और इसको मैं रख रही हूँ फ्रिज में सेट होने के लिए।
केमिकल यूज किया है। आप ड्राई फ्रूट और नट में नेक्स्ट जब भी आऊंगी आपको बताऊंगी, आप वो भी यूज कर सकते हो। इसको अच्छे से टैप टैप कर देना है। पाइनएप्पल चॉकलेट में पाइनएप्पल क्रश ऐड किया है मैम? नहीं, क्रश कहाँ ऐड किया है, क्रश तो सीज कर देगा चॉकलेट को। क्रश आपको नहीं ऐड करना है, आप पाइनएप्पल के जो ड्राई पीसेज आते हैं वो ऐड कर सकते हो। क्रश आपको इनमें नहीं क्रश करना है, तो फिर वो फिलिंग वाली चॉकलेट बनती है जिसमें अपन बीच में डाल सकते हैं। वीडियो भी मैंने YouTube पे डाल रखा है। ये देखिए हमारा बहुत ही प्यारा सा ब्लू कलर और मिंट का, इसमें बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। तो ये हमारी मिंट है वो चॉकलेट तैयार हो गई है। मैं इसी मोल्ड में डाल देती हूँ।
ये हमारी कप मैंने मेल्ट की थी, देखिए आधा घंटा से ऊपर हो चुका है और ये अभी एज जैसे ही की जैसे पड़ी है। अभी यहाँ समर बहुत है तो कुछ तो ये भी रीजन है, विंटर हो तो चॉकलेट जम जाती है। What have you put in blue chocolate, ma'am? मैंने ब्लू सेफ मास्टर का ब्लू कलर और मिंट मिंट एसेंस वो यूज किया है। आप पोलो चॉकलेट है वो क्रश करके भी डाल सकते हो, लेकिन बहुत अच्छी फ्लेवर है वो मेरे को यहाँ तक आ रही है बहुत। ये सेफ मास्टर का ब्लू कलर है ये यूज किया है और ये मिंट ऑयल बेस एसेंस है। हमारे यहाँ जयपुर में लोकल जो मिलते हैं वो बड़ी बोतल रखते हैं फेंक के, वो छोटी बोतल में भर के देते हैं। और लेकिन आपको यदि ऑनलाइन चाहिए तो आपको फेंक की छोटी छोटी बोतल में मिल जाएगी। यदि आपको ऑनलाइन मंगाना है तो आपको छोटी बोतल से वो फेंक के एसेंस बहुत अच्छे होते हैं, तो जहाँ तक हो सके आप वही यूज कीजिए। ये वाला इस तरह की ये फैकी छोटी बॉटल से, ये जैसे रसमलाई एसेंस है ऑयल बेस एसेंस, रसमलाई चॉकलेट बनाना हो तो हमें ये वाला एसेंस यूज करना होगा। सर ठीक है बेटा, अभी नेक्स्ट वीक मेरी क्लास आने वाली है मावा स्वीट्स, तो आप किसी को ज्वाइन करना हो तो 300 रुपीज़ उसकी फीस रहेगी और आपको 10 to 15 तरह की रेसिपीज है वो बताई जाएगी। मावा भी आपको बनाना है वो बताया जाएगा, तो आप कोई भी नए हो तो इनरोल कर सकते हो। क्लास आपको वही मिलेगी 2000 जैसी ही मिलेगी। ये पैकिंग पेपर है जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आते हैं, ये गोल्डन जो भी कलर में है आप इन
की चकरी है वो रेडी हो गई। चाहो तो आप इसमें बीच में धागा भी लगा सकते हो, अभी मैं अनार में आपको लगा के बताती हूँ। तो ये हमारी चक्री वाली चॉकलेट रेडी है।
फल वाले बॉम्बे बड़ी वाली चक्री है मेरी बिस्किट वाली। स्टिकर अभी मेरे पास छोटे वाले ही हैं, तो अभी तो मैं इससे छोटा वाला ही लगा रही हूँ। Why do chocolate sweats after taking out from the fridge? Sweat होती है टेम्परेचर के कारण। तैयार हो गया है। जो भी बचे हुए हैं वो नेक्स्ट क्लास में मैं लाइव लेके आऊंगी और किस किस ने शेयर किया है वो आप मेरे को भेजोगे स्क्रीनशॉट।
बेकिंग करना बता रही हूँ, ये सारी क्या दिवाली के अकॉर्डिंग चॉकलेट्स है। तो अभी ये मैंने मैरी बिस्किट वाली यानी बड़ी चकली है, ये लड़ी जो कि फ्लेवर्स में बनाई थी, ये सारी खुली भी पड़ी है। ये हमने मिंट फ्लेवर में तैयार की थी, ये पाइनएप्पल फ्लेवर में तैयार की, और ये मैरी कुकीज अंदर डाल के बड़ी वाली चकली बनाई है। ये वाली अनार है वो हमने थ्री कलर में, ट्राई कलर में और फ्लेवर भी इसमें दोनों दिए हैं, और वाइट में चाहो तो आप मिंट भी डाल सकते हो। और ये छोटी वाली चकली है, और ये क्रैकल वाले लड़ी कोंब है, तो इस तरह डिफरेंट फ्लेवर में। अभी दिवाली के अकॉर्डिंग मैंने बताया है, आप इनको वैसे भी ये सारे फ्लेवर तैयार करके चॉकलेट्स है वो तैयार कर सकते हो। स्वाति जी आप वापस पेज पे जाके देख सकते हो, यदि आपने मिस कर दिया है तो पेज पे आपको रहेगा, पेज पे वीडियो है वो रहेगा। तो इस तरह हमारी सारी चॉकलेट्स रेडी हो गई है, इसका सेकेंड आज मैंने फर्स्ट पार्ट लिया है, सेकेंड पार्ट भी मैं जल्दी लेऊंगी। आपको चॉकलेट से संबंधित कुछ भी सीखना है तो आपको कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगी दिवाली से पहले पहले। तो जिसने भी अपना कीमती समय दिया है सबको बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद। आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि सभी लोग है वो फ़ायदा उठा सकें। हाँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9413764728, और मेरे यूट्यूब पेज का नाम है चॉइस कैरेट किचन बाय विनीता जैन, और यही नाम फेसबुक पेज पे है, और मेरी क्लासेज है वो। थैंक यू कल्याणा जी। ये चॉकलेट के पेपर्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर में, चॉकलेट पैकिंग पेपर ही बोल के आते हैं। आप वॉइल पेपर में इतनी मतलब पीडीएफ है वो आपको स्क्रीनशॉट भेज दीजिए व्हाट्सएप नंबर पे, इस तरह आते हैं ये चॉकलेट के पैकिंग पेपर है वो, एक कलर के इस तरह पैकेट बने हुए आते हैं। हाँ, व्हाट्सएप नंबर मैं अभी आपको दे दूंगी, और दिवाली से पहले पहले आपको सभी तरह की स्वीट्स क्लास है वो मैं लेके आऊंगी, नमकीन क्लास, स्वीट क्लास, जिसको भी क्लास लेनी हो 300 something 350, ये मेरी फीस रहती है, और आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। ये पैकिंग, ये तो स्टिकर है, ये पैकिंग पेपर वैसे तो ऑनलाइन आपको आरिफ के पास अभी आए हुए नहीं है, यदि आप आरिफ से सामान मंगाते हो तो उनके पास मिल जाते हैं ऑनलाइन, मेरे तो लोकल यहीं जयपुर से लिए हुए हैं। ये स्टिकर है दिवाली स्टिकर, अभी दिवाली में टाइम है लेकिन मैं